हाय गाइस, आई एम नीतू निगम एंड वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज मैं आपके लिए क्लास फर्स्ट के सैंपल पेपर लेकर आई हूँ। इसके सैंपल पेपर देखने से पहले इसके हम सिलेबस देखेंगे, इंटरनेशनल टैलेंट हंट ओलंपियाड, जिसमें कि हमारा सिलेबस हो जाता है साइंस, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड। ये तीनों पेपर्स को कंबाइन करके इंटरनेशनल टैलेंट हंट ओलंपियाड की एग्जाम के सिलेबस है। ये सिल्वर जो ओलंपियाड के सिलेबस एंड सैंपल पेपर है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं। साइंस से रिलेटेड हो जाता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, प्लांट्स एंड एनिमल, फूड वी ईट, क्लॉथ वी वियर, एयर वाटर एंड वेदर, द सन मून एंड स्टार्स। इससे 10 क्वेश्चंस, नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस 4 रहते हैं और मार्क्स जो होते हैं आपके 40 रहते हैं। नेक्स्ट मैथमेटिक्स से हो जाता है, नंबर सेंस एंड ऑपरेशन, मनी, टाइम। ऑपरेशन के अंतर्गत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, एज लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, और ये दोनों ऑप्शंस आपके क्लास फर्स्ट के अकॉर्डिंग आ जाते हैं। मनी टाइम्स, ज्योमेट्रिकल शेप एंड पैटर्न मेजरमेंट, ये सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। मैथमेटिक्स से रिलेटेड चैप्टर्स हैं, जिससे नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 रहते हैं और मार्क्स 4 रहते हैं, तो टोटल नंबर्स ऑफ 40 हो जाते हैं। उसी प्रकार रीजनिंग एप्टीट्यूड से एनालॉजी, पैटर्न, ग्रुपिंग, रैंकिंग टेस्ट एंड सेट, इससे 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस 4 हो जाते हैं, नंबर्स ऑफ क्वेश्चन 5 हो जाते हैं और मार्क्स 4 हो जाते हैं, तो इसके टोटल मार्क्स हो जाते हैं आपके 20। तो इस प्रकार टोटल 25 क्वेश्चंस रहते हैं और टोटल मार्क्स 100 मार्क्स के पेपर रहते हैं। तो ये थे आपके टैलेंट हंट, इंटरनेशनल टैलेंट हंट ओलंपियाड के सिलेबस। अब इससे सैंपल पेपर हम देख लेते हैं। चलिए, इसके सैंपल पेपर है आपके क्लास फर्स्ट सैंपल पेपर, क्वेश्चन नंबर 1। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ऑन इट्स ओन। इसमें से कौन सा ऐसा लिविंग थिंग्स है जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर खुद नहीं मूव कर सकता है? ए ट्री, बी सी, सी कैट, डी डॉग। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए प्लांट। प्लांट एक लिविंग थिंग्स है, लेकिन वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर खुद मूव नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। विच वन ऑफ द नॉट ए पार्ट ऑफ अ प्लांट, ए लीफ, बी विंग्स, सी फ्लावर एंड डी एप्पल्स। प्लांट का कौन सा पार्ट नहीं है? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी विंग्स। विंग्स जो है प्लांट का पार्ट नहीं होता है, प्लांट्स के पार्ट होते हैं फ्लावर्स, लीफ या फ्रूट। तो विंग्स जो है किसी भी बर्ड्स के हो सकते हैं, तो दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। Which one of the following is an insect? इसमें से कौन सा एक इंसेक्ट ग्रुप में आता है? A ant, B donkey, C rose, D frog. Donkey is a farm animal and rose is a flower and D frog. Frog is a reptile. So correct answer हो जाता है option A ant. Ant is the insect. Question number 4. What is the function of eye in our body? हमारे body में आँख का क्या काम है? A. It helps in hearing. यह हमें सुनने में मदद करता है. B. It helps in listening. यह हमें सुनने में मदद करता है. And C. It helps in seeing. यह मुझे देखने में मदद करता है. And D. It helps in डिटेक्टिंग टेस्ट, ये हमें टेस्ट को पहचानने में मदद करता है। सो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, इट हेल्प इन सी, आँख हमारे बॉडी में देखने के लिए हमारे को मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। लुक एट द फॉलोइंग फिगर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। ये एक घोंसला है, नेस्ट है जिसके अंदर अंडे रखे हुए हैं। ये कौन से स्टेटमेंट इसके अकॉर्डिंग ट्रू हो रहा है? चलिए, नंबर 1, इट इज द होम ऑफ एन इंसेक्ट, या इंसेक्ट का घर होता है। बी, इट इज द होम ऑफ अ फिश, ये मछली का घर होता है। सी, इट इज द होम ऑफ अ बर्ड, यह पक्षियों का घर होता है। एंड डी, इट इज होम एट अ कैट, यह बिल्लियों का घर होता है।
सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इट इज द होम ऑफ अ बर्ड, या पक्षियों का घर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो करेक्ट नहीं है। नंबर ए 4-3=1, ये करेक्ट है। नंबर बी 4-4=0, ये भी सही है। सी 7-5=2, सही। एंड डी 3-3=3, ये ऑप्शंस गलत है। 3-3=0, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। There are 10 balls in each of the boxes given below. What will we answer if ball of these boxes are counted together? दोनों boxes में 10 and 10 balls हैं। अगर इन दोनों को एक साथ count किया जाए तो कितने balls होंगे? यहाँ पर 10 and 10 को अगर हम एक साथ count करते हैं तो इसको हम plus कर सकते हैं। 0 का 0, 1, 1, 2, 20। तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 tens। यहाँ पर क्या हो रहा है? 1 tens नहीं है, 2 tens, 3 tens एंड 4 tens। तो यहाँ पर क्या होता है? Ones and tens। इस प्रकार हम काउंट करते हैं। Ones, tens, tens के पोजीशन पे क्या हो रहा है? 2, तो 2 tens हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। 24 hours + 24 hours = क्या? 4 days, 2 days, 3 days and 5 days। 24 hours = 1 days होता है, तो 2 24 days है, तो 1 days and 1 days कितने days हो गए? 2 days। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी 2 days। क्वेश्चन नंबर 9। Choose the incorrect option from the following. A greater than B, C and D. ये equal to size है। इसमें से कौन सा incorrect option हमें देखना है? Correct option नहीं देखना है। This is the incorrect option. ये सही है, ये भी सही है and this is C is the incorrect option. ये इससे बड़ा नहीं है, इससे छोटा है, तो ये ग्रेटर देन की साइन यहाँ पर गलत है। यहाँ पर लेस देन की साइन होनी चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनकरेक्ट ऑप्शन हमें देखना है, तो इनकरेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट्स द फिगर गिवन बिलो। टेंस और वंस, वंस पोजीशन पे हमारे 4 वंस हैं, 10 पोजीशन पे 1 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 1 4। जो नंबर यहाँ पे 1 और 4 लिखा हुआ इसी को एज इट इज हम लिख देते हैं। तो 1 4 हमारा केस में ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन डी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया हो। इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और प्लीज कमेंट करके अवश्य बताएं कि आप किस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं। साथ ही रिवीजन पोर्शंस और क्लास फर्स्ट में सिल्वर और ओलंपियाड से रिलेटेड अदर सब्जेक्ट्स के वीडियो भी हमने डाले हैं, उसे एक बार आप अवश्य चेक करें। और नेक्स्ट वीडियो हमारे अब क्लास थर्ड के लिए मैं लेकर आ रही हूँ, तो बने रहें क्लास थर्ड में। सिल्वर जोन में किस तरह के सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस पेपर और सिलेबस रहेंगे उसे देखना ना भूलें। थैंक यू।